जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष धर्म पर। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग की महिमा। इनके स्मरण करने मात्र से साधक को क्या फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़े सभी विषयों की जानकारी शास्त्रों के मुताबिक दी जाती है। मित्रों, शास्त्रों में भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग की विशेष महिमा बताई गई। ये बारह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के भक्तों ने करोड़ों वर्ष तपस्या करके प्रकट किए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव और पार्वती उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। तब उन भक्तों ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप दोनों ज्योति रूप में एक होकर के इन शिवलिंग में समाहित हों और भक्तों का कल्याण करें। भगवान शिव और पार्वती ज्योति रूप में बने और इन शिवलिंगों में समाहित हुए, इसलिए इन बारह ज्योतिर्लिंग की विशेष महिमा है। यानी इन बारह ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से और इनकी यात्रा करने मात्र से साधक को सभी मनोरथ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक विशेष श्लोक दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार इस श्लोक का स्मरण करने मात्र से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिम्बत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुका वने सेतुबंदे च रामेशम घुस्मेशम च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धिम फलम लभेत। इस श्लोक का स्मरण करने मात्र से साधक को बारह ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल प्राप्त होता है। मित्रों, शिव पुराण में इन बारह ज्योतिर्लिंग का स्मरण, दर्शन और पूजन से मिलने वाले अलग अलग फलों की व्याख्या की गई है। मित्रों, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसका दर्शन और स्मरण करने से साधक को असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन का स्मरण, दर्शन, पूजन करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, आयु वृद्धि होती है। देवाधिदेव महादेव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, स्मरण करने मात्र से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और आयु वृद्धि होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण, दर्शन और यात्रा करने से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से भयों से मुक्ति मिलती है। देवाधिदेव महादेव के पावन धाम में स्थापित बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन, स्मरण और यात्रा करने से साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, स्मरण करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है, ऋणों से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करने से साधक को राजसीय सुखों की प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, स्मरण करने मात्र से साधक को सभी कार्यों के विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन, स्मरण करने मात्र से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का
दर्शन, पूजन और स्मरण करने मात्र से साधक को पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार में शांति बनी रहती है। इस तरह से भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, दर्शन, पूजन करने से साधक को 12 लाभों की प्राप्ति होती है। इनका वर्णन भगवान शिव के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में दिया गया है। तो मित्रों, आप प्रतिदिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कीजिए और उनकी दिव्य कृपा प्राप्त कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम इसी तरह से आपको विशेष जानकारियां देते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।